एक कप फ्रेश नारियल से आज हम बहुत ही अलग और यूनिक रेसिपी बनाएंगे जिसे आपने आज से पहले ट्राई नहीं किया हो, लेकिन आप इस रेसिपी को देख के फटाफट से ट्राई करेंगे। जब भी आपके घर में नारियल एक्स्ट्रा आ गए हो या नारियल खाना पसंद ना हो तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बना के देखिए। नारियल नहीं खाने वाले भी इसे आपसे मांग के खाएंगे और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हम एक बर्तन लेंगे और इसमें एक कप मैदा डालेंगे। यहाँ मैंने मैदा का यूज़ किया, आप इसकी जगह आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा कलर आता है और हल्दी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हल्दी और नमक का यूज़ आप ज़रूर करें। और अब हम इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर हल्दी नमक को मैदे में अच्छी तरह एक मिनट के लिए मिला लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने सभी इंग्रेडिएंट को हाथ से अच्छी तरह मिला लिया है और ये इस तरह बांधने से लड्डू की तरह बन जा रहे हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। मैदा को गूंथते समय हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, नहीं तो डो हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं बनेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने डो को अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है। मैदे को यहाँ मैंने अच्छे से गूंद लिया है और ये देखिए, हल्दी की वजह से इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और अब हम एक पैन लेंगे, पैन में दो चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल का यूज़ किया है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसकी जगह खसखस का भी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद तिल डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरह मिलाते हुए भून लेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए। और ये देखिए, तिल हमारे अच्छे से भून गए हैं। और अब हम इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और पैन को एक बार फिर से गर्म होने देंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने देसी घी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और घी को हम पैन में अच्छी तरह फैला लेंगे। और अब हम इसमें एक कप ताज़ा या फ्रेश ग्राइंड किया हुआ नारियल डालेंगे। यहाँ मैंने नारियल को अच्छे से छील के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और इसे मिक्सर जार में डाल करके यहाँ मैंने इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया था। आप इसकी जगह नारियल को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बारीक या महीन कद्दूकस कर ले, जिससे नारियल का रेसिपी हमारा बहुत ही अच्छा और परफेक्ट बनेगा और ये खाते समय मुँह में भी नहीं आएगा। और अब हम इसमें दो चम्मच गुड़ डालेंगे। यहाँ मैंने मेल्टेड गुड़ का यूज़ किया है। गुड़ आपको पसंद है तो आप इसे गुड़ से ही बनाएं, नहीं तो आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं। और अब हम गुड़ डाल करके इसे मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनते हुए मिला लेंगे। गुड़ यहाँ मैंने एक चम्मच और डाला था, जिससे नारियल हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट कलर और इसमें गुड़ का अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने गुड़ को नारियल में अच्छे से मिला लिया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। गुड़ को नारियल के साथ 2 मिनट के लिए और भून लेंगे, जिससे इसका नमी अच्छी तरह सूख जाएगा। और अब हम इसमें भुने हुए तिल डालेंगे। तिल डालकर हम इसे मिला लेंगे। तिल डालकर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसे इस तरह चलाते हुए मिला लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, डो हमारा अच्छी तरह सेट हो गया है। और हम इसे एक बार फिर से मिला लेंगे और चिकना कर लेंगे। डो के छोटे छोटे बॉल्स बना करके हम इसके 4 भाग में बांट लेंगे या तोड़ लेंगे। और अब हम इस तरह का चकला लेंगे। चकला लेकर के हम इस पे एक छोटा बॉल लेंगे और इसे इस तरह गोल घुमाते हुए पेड़ा का शेप देंगे और पेड़े को इस तरह सेंटर से दबा लेंगे। और अब हम बेलन से इसे हल्के हाथों से पूड़ी के साइज में बेल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह बेलन से बेल लिया है। और अब हम इसे हाथ में लेंगे और इसके बीच में गुड़ और नारियल का बनाया हुआ 2 चम्मच मिश्रण डालेंगे। स्टफिंग डालकर हम इसके साइड से इस तरह दबाते हुए प्लेट बना लेंगे। और प्लेट बनाते हुए हम इसे बीच में स्टफिंग को दबाते हुए हम सारे प्लेट को एक जगह करते हुए हल्के हाथों से दबाते हुए स्टफिंग को पैक कर लेंगे या बंद कर लेंगे। और अब हम इसे हल्के हाथों से दबा लेंगे और इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। आटा लगाकर हम इसे बेलन से हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप भी इसे इसी तरह हल्के हाथों से घुमाते हुए बेल लें।
पराठे को हम जितना पतला हो सके बेल लेंगे। आप इस पराठे को एक बार बना करके हफ्ता दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने पराठे को बेल लिया है और सेम तरीके से हम एक और पराठा बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पराठे को बेल कर तैयार कर लिया है। और चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। और ये देखिए, सभी पराठों का कलर कितना अच्छा आया है। यहाँ मैंने तवा को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए, तवा हमारा गर्म हो गया है। हम इस पे पराठा डालेंगे। पराठा डालकर हम इसे एक मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। और पराठा हमारा एक साइड से अच्छी तरह पक गया है। और अब हम इसे पलट देंगे। पलट कर हम इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। एक मिनट हो गया है, पराठे को हम एक बार फिर से पलट लेंगे। और पलट कर हम इस पे एक चम्मच घी लगाएंगे। यहाँ मैंने घी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह बटर या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप पराठे बनाएं तो घी का ही यूज़ करें, इससे पराठे में घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड में भी घी लगा लेंगे। नारियल पराठा में घी लगा करके हम इसे दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। आप इस पराठे को बना करके बच्चों के टिफ़िन या आप लंबी सफ़र पे जा रहे हैं तो भी ले जा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। इस रेसिपी को आप मीठे में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से फ्रेश नारियल का पराठा बना सकते हैं। और ये देखिए, पराठा हमारा दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सिक गया है। और अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और सेम तरीके से हम एक और पराठा डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह सेक लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिया है। और हल्दी की वजह से हमारे पराठे में बहुत ही अच्छा कलर और शाइन आया है। आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, पराठे को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से भी बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बने हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए, आपकी सभी तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे। और चलिए, अब मैं मिलती हूँ आप सभी के साथ एक नए रेसिपी में।